नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रतीक आपको मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने जब अपना YouTube चैनल शुरू किया था तो मेरे चैनल पर भी जीरो सब्सक्राइबर्स था, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत जल्दी और बहुत कम वीडियो से मैंने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया। मैंने दोस्तों अपने कंटेंट के लिए कुछ ऐसा टॉपिक चुना था जिससे 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर्स ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक वीडियो से मेरे चैनल पर इतना ज्यादा व्यूज आया उससे ही मेरा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। सो अगर आपने अभी यूट्यूब शुरू किया है और आपके चैनल पर जीरो सब्सक्राइबर्स है तो आपका मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास 1000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाएगा। सिर्फ कुछ बात को याद रख के अपना कंटेंट क्रिएट करना है, इसी के बारे में डिटेल में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और आपके इनिशियल टाइम में आपके पास जीरो सब्सक्राइबर्स है तो आपके वीडियोस में सिर्फ एक उपाय से व्यूज आ सकता है, वो है सर्च रैंक। अगर आपका वीडियो सर्च में रैंक कर जाता है तो आपके वीडियोस में व्यूज आएगा, नहीं तो दोस्तों आपके पास कोई भी सब्सक्राइबर्स नहीं है तो आपका वीडियोस कोई नहीं देखेगा। आपका वीडियो अगर सर्च में रैंक कर जाता है तो ही आपके वीडियोस में व्यूज आएगा। सो दोस्तों, आपके कंटेंट के लिए कुछ ऐसा टॉपिक चुनना है जिसे लोग यूट्यूब पर सर्च करके देखे, मतलब दोस्तों आपको कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड ऐसा कोई वीडियोस बनाना है जिसे लोग सर्च करके देखे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए। सोचिए आपके पास एक फिटनेस रिलेटेड चैनल है, मतलब आप उस चैनल में फिटनेस के टिप्स शेयर करते हैं। सो ऐसे चैनल में आपको कुछ इस टाइप का कंटेंट बनाना है। देखिए दोस्तों, अभी जो इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसके लिए लोग अभी जो है घर में बंद है और दोस्तों वो लोग बाहर जिम में नहीं जा सकते बॉडी को फिट रखने के लिए, या फिर अपने काम पे नहीं जा सकते जो काम करके उनका बॉडी फिट रहता था। सो इसके लिए अब जो लोग घर में बैठे हैं इसके लिए वो लोग सर्च करेंगे कि कैसे घर में कौन सा एक्सरसाइज करके घर में ही फिट रहा जाए। सो दोस्तों, आपके फिटनेस चैनल में कुछ इस टाइप का वीडियो बनाना है कि कैसे घर में रह के फिट रहा जाए, कौन सा एक्सरसाइज करके फिट रहा जाए, इसके ऊपर ही वो लोग अभी सर्च करेंगे। तो आपको भी तैयार रहना है आपके चैनल में इस टाइप का कंटेंट बना के, क्योंकि दोस्तों ऐसे सिचुएशन की वजह से वो लोग इस टाइप का वीडियो सर्च करेंगे। सो दोस्तों, इस टाइम में ये पॉसिबल है कि आपका जो नया वीडियो है फिटनेस के ऊपर वो वीडियो सर्च में रैंक कर जाए। सो आपको दिमाग से ये सोचना है कि इस टाइम पे कौन सा वीडियो वायरल होने वाला है, सो आपको उस टाइप का ही कंटेंट बनाना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। सोचिए दोस्तों, आपका कोई अर्निंग से रिलेटेड चैनल है, मतलब कैसे घर में बैठ के अर्निंग किया जाए, इस टाइप का आप ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। जैसे कि दोस्तों लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते और दोस्तों लॉकडाउन के बाद बहुत लोग जॉब खोने वाले हैं, सो आपको इस टाइप का वीडियो बनाना है कि कैसे घर में बैठकर कौन से वेबसाइट से ज्यादा पैसा कमाया जाए, मतलब घर में बैठकर कौन सा काम करके ज्यादा अर्निंग किया जाए। सो आपको इस टाइप का ही वीडियोस बनाना है अपने चैनल पर, तभी दोस्तों आपके वो सारे वीडियो सर्च लिस्ट में रैंक कर जाएगा। जब भी लोग सर्च करेंगे कि कैसे अर्निंग किया जाए घर में बैठकर, तो आपका वीडियो सजेशन में आ जाएगा, मतलब दोस्तों आपका वीडियो बहुत ही जल्दी सर्च लिस्ट में रैंक कर जाएगा। सो आपको भी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाना है अपने चैनल पर। सो आपको एवरी टाइम ये सोचकर वीडियोस बनाना है कि कौन सा वीडियो लोग सर्च करेंगे अगर आपके पास जीरो सब्सक्राइबर्स है तो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका वीडियो सर्च लिस्ट में रैंक हो गया तो इससे ही आपको बहुत सारा व्यूज आएगा और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। सो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपका वीडियो सक्सेसफुल रहा तो दोस्तों आपके सिर्फ एक वीडियो से आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाएगा। सो दोस्तों, वीडियो तो बना लिया सर्च लिस्ट में रैंक करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपके वीडियोस को क्लिक करेगा कौन? सो इसके लिए आपके थंबनेल को भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ गया तो उस वीडियो को देखेगा कौन? कौन आपके वीडियो को क्लिक करके देखेगा? सो इसके लिए आपके वीडियोस के लिए थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने दोस्तों HD थंबनेल के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना के रखा है अपने चैनल पर, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों कोई भी क्लिकबेट थंबनेल मत बनाना, क्योंकि क्लिकबेट से आपको व्यूज तो आएगा लेकिन दोस्तों कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों व्यूअर्स जो चीज़ देखने के लिए आपके वीडियोस पर क्लिक करेगा अगर आपके वीडियो में वो चीज़ नहीं है तो वो कभी आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि क्लिकबेट कभी नहीं बनाना है, आपको जेन्युइन कंटेंट बनाना है, तभी दोस्तों लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने दोस्तों जब अपना पहला वीडियो बनाया था तो मैंने बहुत अच्छा थंबनेल बनाया था, और दोस्तों मेरा थंबनेल सबसे अलग और HD होने की वजह से लोग उस पर क्लिक करें और मेरा वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज आ गया बहुत कम समय में। सो आपको भी इन चीजों को ख्याल में रखते हुए आपका कंटेंट बनाना है और अच्छा थंबनेल भी बनाना है और उसको फिर अपलोड करना है, इससे ही आपके वीडियोस पर बहुत कम समय में व्यूज आएगा और सर्च में भी रैंक कर जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों YouTube मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया 4000 वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर, इसको कैसे आप जल्दी से कंप्लीट कर पाएंगे इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। मैंने दोस्तों आई बटन पर इसका लिंक दे दिया है, आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में रैंक हो जाएगा, बहुत जल्दी आपके पास 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और दोस्तों इस टाइप का और भी वीडियोस देखना हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं इस टाइप का ही वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा आईडी, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहां पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।